हवा एक किस्सा जोड़ दे प्रीत दा रूदी रीत दा दिला दे माही मीत दा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज के इस वीडियो में हम आपके लिए बहुत ही कमाल की इन्फॉर्मेशन लेके आए हैं। आपको बताते चलें कि त्योहारों का समय चल रहा है और त्योहारों के समय कौन अपने घर वापस नहीं जाना चाहता, लेकिन इस समय सभी ट्रेनों में टिकट फुल हो चुकी है। इस वजह से यात्रियों को काफी परेशानी हो रही है आने जाने में। इस वजह से जबलपुर से त्योहारी के सीजन पर सबसे ज्यादा परेशानी पटना, कानपुर, सिकंदराबाद, रीवा, सतना, जबलपुर के यात्रियों को होती है। इस परेशानियों को रेलवे ने कम करते हुए स्पेशल ट्रेन चलाई है। हालांकि पहली जो ट्रेन चल रही है पटना सिकंदराबाद ट्रेन, इस ट्रेन को भारतीय रेलवे ने सिर्फ 3 फेरों के लिए चलाया है। खास बात यह है कि ट्रेन जबलपुर रेल मंडल के जबलपुर के अलावा 3 अन्य स्टेशन जो कि पश्चिम मध्य रेलवे के अंतर्गत आते हैं वहां से होकर गुजरेगी। यानी कि ये ट्रेन जबलपुर स्टेशन, सतना, कटनी, नरसिंहपुर होकर ये ट्रेन जाएगी। रेलवे द्वारा पटना सिकंदराबाद के मध्य 3-3 ट्रिप साप्ताहिक स्पेशल ट्रेन चलाने का निर्णय लिया है। ये गाड़ी पश्चिम मध्य रेलवे के सतना, कटनी, जबलपुर, पिपरिया एवं इटारसी स्टेशन होकर अपने गंतव्य को जाएगी। यानी कि यात्री अगर सिकंदराबाद से जबलपुर, कटनी, सतना, मैहर आना चाहते हैं तो वो इस ट्रेन से आराम से आ सकते हैं। रीवा भी अगर आना चाहते हैं तो वो सतना में उतर कर बाय बस से रीवा की ओर आ सकते हैं। आइए आपको इस ट्रेन की समय सारणी बता दें। इनके अलावा एक ट्रेन और शुरू हो रही है, उसकी जानकारी भी हम आपको आगे बताएंगे। तो सबसे पहले हम आपको जानकारी बता दें गाड़ी संख्या 03281 पटना सिकंदराबाद स्पेशल ट्रेन की। इस ट्रेन को 3 ट्रिप के लिए शुरू किया जा रहा है। ये ट्रेन गुरुवार से शुरू हो जाएगी 27 अक्टूबर से, यानी कि 27 अक्टूबर को इस ट्रेन का पहला रन होगा। ये ट्रेन 27 अक्टूबर से 10 नवंबर तक पटना रेलवे स्टेशन से चलेगी। पटना रेलवे स्टेशन से ये ट्रेन शाम को 4 बजे चलेगी, जो कि सतना पहुंचेगी रात में 1:40 पर, कटनी पहुंचेगी सुबह 3:35 पर, जबलपुर पहुंचेगी सुबह 4:55 पर, पिपरिया पहुंचेगी सुबह 7:05 पर, इटारसी पहुंचेगी सुबह 8:50 पर और ये ट्रेन रात में 11:55 पर सिकंदराबाद स्टेशन पहुंचेगी। वहीं वापसी में ये गाड़ी संख्या 03282 सिकंदराबाद पटना स्पेशल ट्रेन, ये ट्रेन शनिवार यानी कि 29 अक्टूबर से 12 नवम्बर तक चलेगी। ये ट्रेन सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन से दोपहर में 3:25 पर चलेगी, जो कि इटारसी पहुंचेगी सुबह 5:30, पिपरिया पहुंचेगी सुबह 6:28 पर, ये ट्रेन जबलपुर पहुंचेगी सुबह 8:50 पर, ये ट्रेन कटनी पहुंचेगी सुबह 10:15 पर और ये ट्रेन सतना पहुंचेगी दोपहर में 12:25 पर और ये ट्रेन रात में पटना पहुंचेगी 12:30 पर। यानी कि ये ट्रेन, जब ये ट्रेन सतना रेलवे स्टेशन पहुंच जाएगी तो वहां से जो रीवा के यात्री हैं और रीवा के अलावा आसपास के क्षेत्र के जो भी यात्री हैं वो बाई बस के माध्यम से अपने अपने घर पहुँच जाएंगे। बात की जाए इस ट्रेन के कोच कम्पोजिशन की तो इस ट्रेन में एक सेकंड क्लास का कोच दिया गया है, 3 इस ट्रेन में सेकंड एसी के कोच दिए गए हैं, 11 इस ट्रेन में स्लीपर के कोच दिए गए हैं, 4 इस ट्रेन में जर्नल क्लास के कोच दिए गए हैं और इस ट्रेन में 2 SLR के कोच दिए गए हैं, यानी कि टोटल 21 कोच दिए गए हैं। ये ट्रेन रास्ते में दानापुर, आरा, बक्सर, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन, मिर्जापुर, प्रयागराज चौकी, मानिकपुर, सतना, कटनी, जबलपुर, पिपरिया, इटारसी, नागपुर, बलहरशा, सिरपुर, कागजगार, मरचियाल, पैदपल्ली जंक्शन एवं काजीपेट जंक्शन स्टेशनों पर रुकते हुए जाएगी। इस ट्रेन के चलने से यात्रियों को थोड़ी बहुत राहत होगी, लेकिन आपको बताते चलें कि ये स्पेशल ट्रेन है, इसी वजह से इस ट्रेन में स्पेशल ट्रेन का किराया ही लगेगा। इनके अलावा दूसरी जो ट्रेन भारतीय रेलवे के द्वारा शुरू की जा रही है, इस ट्रेन के चलने से भी विंध्य के यात्रियों को फायदा होगा। ये जो ट्रेन है वो चलेगी कानपुर सेंट्रल से लोकमान तिलक टर्मिनस तक, यानी कि विंध्य के लोग जो मुंबई से वापस रीवा की ओर आना चाहते हैं वो इस ट्रेन में सफर कर सकते हैं। और ये ट्रेन वापसी में कानपुर से लोकमान तिलक जब जाएगी तो उस समय रीवा आनंद विहार जो ट्रेन चलती है, इस ट्रेन में सबसे ज्यादा टिकट कानपुर की बुक होती है। यानी कि अगर आप आनंद विहार से रीवा की ओर यात्रा करना चाह रहे हैं तो आपको टिकट नहीं मिलेगी, और यदि आप कानपुर से देखते हैं रीवा की टिकट तो आपको उसी दिन की टिकट कानपुर से रीवा की मिल
जाएगी, लेकिन आनंद विहार से डायरेक्ट रीवा की ट्रेन त्योहारी सीजन में नहीं मिल पाती है, क्योंकि कानपुर के लोग सबसे ज्यादा यात्रा आनंद विहार रीवा ट्रेन से करते हैं। तो ऐसे यात्री जिनको कानपुर से या फिर दिल्ली के आसपास से उनको रीवा सतना आना है, तो वो कानपुर तक किसी भी ट्रेन से आ सकते हैं और कानपुर से उनको ये स्पेशल ट्रेन मिलेगी। तो आइए इस ट्रेन की भी पूरी जानकारी आपको विस्तार से बता देते हैं। ये गाड़ी संख्या 04151 कानपुर सेंट्रल लोकमान्य तिलक टर्मिनस सुपरफास्ट स्पेशल ट्रेन। ये ट्रेन हफ्ते में एक दिन चलेगी, शुक्रवार के दिन। ये इस ट्रेन का पहला रन 7 अक्टूबर से शुरू हो रहा है। ये ट्रेन 7 अक्टूबर से 25 नवंबर तक चलेगी। ये ट्रेन कानपुर सेंट्रल से दोपहर में 3:45 पर रवाना होगी, जो कि प्रयागराज पहुंचेगी। शाम को 4:10 पर सतना पहुंचेगी ये ट्रेन। रात में 9:05 पर कटनी पहुंचेगी ये ट्रेन। 10:20 पर जबलपुर ये ट्रेन पहुंचेगी। रात में 11:30 पर इटारसी ये ट्रेन पहुंचेगी। सुबह 3:25 पर भुसावल ये ट्रेन पहुंचेगी सुबह 8:00। और ये ट्रेन दोपहर में 2:55 पर लोकमान्य तिलक टर्मिनस स्टेशन पहुंचेगी। वहीं इसी प्रकार वापसी में गाड़ी संख्या 04152 लोकमान्य तिलक टर्मिनस कानपुर सेंट्रल सुपरफास्ट स्पेशल ट्रेन। ये ट्रेन हफ्तों में सिर्फ एक दिन चलेगी, शनिवार के दिन। ये ट्रेन 8 अक्टूबर से शुरू हो रही है। 8 अक्टूबर से ये ट्रेन 26 नवंबर तक चलेगी। ये ट्रेन लोकमान्य तिलक टर्मिनस से 5:15 पर ये ट्रेन रवाना होगी, जो कि भुसावल पहुंचेगी 9:00, इटारसी पहुंचेगी 2:55 पर, जबलपुर पहुंचेगी 6:15 पर, कटनी पहुंचेगी 7:25 पर, सतना पहुंचेगी 8:40 पर, प्रयागराज पहुंचेगी 12:40 पर और ये ट्रेन 3:25 पर कानपुर सेंट्रल पहुंच जाएगी। यानी कि जो यात्री कानपुर और मुंबई से आना चाहते हैं अपने अपने घर वापस, वो इस ट्रेन से आ सकते हैं। यानी कि इन चारों ट्रेनों के चलने से विंद के यात्रियों को फायदा होगा, क्योंकि एक ट्रेन सिकंदराबाद से आएगी, वापसी में यही ट्रेन पटना से आएगी, वहीं दूसरी तरफ कानपुर लोकमान्य तिलक ट्रेन कानपुर से आएगी और वहां से वो लोकमान्य तिलक से आएगी। ये दोनों ट्रेन वेस्ट सेंट्रल रेलवे जबलपुर के स्टेशनों से होकर गुजरेगी। तो फिलहाल जैसे ही किसी भी प्रकार की कोई भी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आती रहेगी, वीडियो के माध्यम से हम आपको अवगत कराते रहेंगे। बस आज के वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए। वीडियो अगर पसंद आती वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा वीडियो आपको कैसी लगी और क्या आपका सुझाव। मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय।